प्याज के किसान भाइयों ने समझदारी बहुत अच्छी दिखाई है। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, जितने भी हमारे प्याज के किसान भाई हैं, व्यापारी हैं, सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी समझदारी दिखाई है। मंडी में जो आवक को कम किया है और कम आवक होने से प्याज भाव में बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी हुई है और इसी तरह तेज़ी बनी रहे, मैं यही सोचता हूँ कि अगर तेज़ी ऐसा बना रहेगा तो हमारे किसान भाइयों को कुछ न कुछ ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, आप प्याज का जो बिक्री है, प्याज का जो भाव है, इसको टूटने ना दें, इसको इसी भाव से ऊपर जाने की कोशिश करें और आवक जो है बढ़ाए मत। आवक को बढ़ाएंगे तो प्याज में फिर से कुछ न कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। और रही बात निर्यात का, बांग्लादेश में प्याज का निर्यात ज़बरदस्त हो रहा है। 50-70 से 80 गाड़ियां ट्रक लोड होकर निर्यात हुआ है और भी बांग्लादेश प्याज मांग रहा है क्योंकि बांग्लादेश में प्याज की खपत ज़्यादा है और बांग्लादेश में प्याज का निर्यात भी इंडिया से होता है और होता रहेगा क्योंकि प्याज ऐसा चीज़ है जो हमारा प्याज इंडिया का है, ये पूरे विदेश में फेमस है और सारे विदेश वाले इंडिया का प्याज खाना पसंद करते हैं क्योंकि जो बाहर का प्याज है वो देखने में बहुत सुंदर है, चमकीला है और बहुत बड़े बड़े उसके दाने होते हैं, लेकिन वो खाने में उतना स्वाद नहीं है क्योंकि जो हमारा इंडिया का प्याज है थोड़ा चिचड़ा होता है, कड़वेपन में होता है, सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और खाने में भी बहुत स्वाद लगता है। यानी कि जो प्याज का बिक्री है, प्याज की जो निर्यात है, प्याज का जो भाव है, और भी बेहतर अच्छा बनाने में हमारे किसान भाई लगे हुए हैं और निर्यात को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं कि इंडिया से और भी प्याज कई देशों में निर्यात होना है क्योंकि अभी कुछ ऐसी तकनीक के जरिए प्याज को और भी अच्छे तरीके से प्याज का व्यापार किया जाएगा और हमारे किसान भाइयों का को इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। गाड़ी जो ट्रकें लोड हो रही हैं, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जहाँ ट्रांसपोर्ट से जाके एयरपोर्ट पहुँचता है, वहाँ जो प्याज 60, 65, 70, 78 के भाव में, 62 के भाव में, 65 के भाव में, हर भाव में प्याज वहाँ पहुँच रहा है और प्याज निर्यात 60 से लेकर 65, 64, 70, 72 के भाव में प्याज का बाज़ार बना हुआ है, निर्यात वहाँ से हो रहा है क्योंकि जो बाहर का प्याज एक्सपोर्ट होता है इंडिया से 60, 62, 65 के भाव में यहाँ से चलता है क्योंकि इसका खर्चा काफ़ी पड़ जाता है और ख़र्चा ज़्यादा पड़ने से बाहर जाने में प्याज की बिक्री भी अच्छी होती है और प्याज का भाव भी अच्छा रहता है और यही प्याज जाके विदेशों में 200, 250, 300 प्रति किलो के हिसाब से, इंडियन रुपीज के हिसाब से बिकता है और वहाँ जो डॉलर के हिसाब से बिकता है। यानी कि प्याज के भाव में बहुत ही अच्छी खबर और भी आने वाली है क्योंकि बरसात का सीजन है, बरसात का मौसम है और बारिश से कहीं कहीं ऐसा सुनने में आया है कि कहीं कहीं बारिश से प्याज ख़राब हो चुका है। जो हमारे किसान भाई प्याज लगाए हुए थे तो बारिश में प्याज डूब गया है और जो छोटे छोटे प्याज अभी जन्म ले रहे थे वो प्याज ख़राब हो चुके हैं, तो हमारे किसान भाइयों का बहुत सारा नुकसान भी हुआ है और कहीं कहीं बाढ़ ज़्यादा आ चुका है और कहीं कहीं खेतों में भी इतना पानी रुका हुआ है कि दूसरा फसल अभी लगाने में समय लगेगा, तो इसका भी असर प्याज पे पड़ेगा, प्याज कमी आएगी और जब प्याज कमी आएगी तो प्याज का भाव भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, जो प्याज है, प्याज का निर्यात ज़बरदस्त हो रहा है और आगे भी इसी तरह होता रहेगा। मलेशिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, बहुत से ऐसे राज्य हैं जो हमारे प्याज को लेकर तालमेल बनाए हुए हैं, इंडिया सरकार से प्याज मांगने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्याज उनके देश में जाए और लोग इसका लाभ उठाएं, लेकिन हमारे इंडिया के जो कई ऐसे अफसर हैं जो प्याज अभी उतना खुले तौर पे नहीं भेज रहे हैं क्योंकि अगर ज़्यादा भेजेंगे प्याज तो इंडिया में भी प्याज का काफ़ी तेज़ी आ सकती है, इस वजह से वो प्याज का निर्यात थोड़े थोड़े करके अलग अलग राज्य में कर रहे हैं और इसी तरह भाव बना हुआ है। अगर इसी तरह भाव बना रहा
तो फिर भी हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ मिलता रहेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जो नया नया नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलता रहे, पूरी जानकारी आपको मिलता रहे। तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं।